डस्टबिन घोटाला सामने आया है। शहर के 1500 प्लास्टिक डस्टबिन लापता हैं। इससे पहले 500 स्टील डस्टबिन भी लापता हुए थे। शहर में नहीं कागजों में ही डस्टबिन रखकर घोटाला किया जा रहा। जांच के लिए 9 सफाई निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। नगर आयुक्त ने यहां पर घोटाले की जांच शुरू कराई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गया है। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, जिस तरह से लगातार डस्टबिन घोटाला सामने आ रहा? देखिए शैलेंद्र, अब से करीब 3 से 4 साल के अंदर 3 बार जो बड़ी तादाद में शहर के लिए डस्टबिन खरीदे गए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन चाहे वो स्टील के डस्टबिन हो, चाहे वो प्लास्टिक के डस्टबिन हो, वो डस्टबिन कहीं रखे गए और कहीं नहीं रखे गए, और कागजों में उनका जो पैसा था वो निकाल लिया गया। और ये शिकायत लगातार पिछले कई महीनों से नगर आयुक्त के पास है। अब जाकर उसमें जांच के आदेश हुए हैं, सहायक नगर आयुक्त को बोला गया है और उन्होंने जो सफाई निरीक्षक हैं उनको ये कहा है कि वो बताते हैं कि कहाँ अब डस्टबिन मौजूद है और कहाँ नहीं है। इसमें किसी ऐसे अधिकारी को नहीं लगाया जो इसके लिए पात्र हो। एक फौरी तौर पर एक जांच की जो औपचारिकता है वो पूरी कराई जा रही है, जबकि आप सोचिए कि 500 डस्टबिन शहर में स्टील के लगाए गए थे, जहाँ जोड़े में ये डस्टबिन रखे गए थे, उन स्टील के स्टैंड और डस्टबिन का कहीं कोई पता नहीं है। 1500 डस्टबिन पिछले दिनों ही शहर में रखे गए थे, अलग अलग कलर के डस्टबिन थे, लेकिन वो डस्टबिन भी गायब हो चुके हैं। समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये डस्टबिन रखने और कागज में डस्टबिन रखने के बाद उनका पैसा डकारने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। घोटाले हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी केवल फौरी जाँच कराते हैं और औपचारिकता पूरी करते हैं। बिल्कुल, नई तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरठ से हम आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से घोटाला सामने आया है। और अगली